हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेस। और आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक सेंटेंस या बेसिक ग्रामर जो भी है उसके बारे में। क्लास वन मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सेंटेंसेस के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल थॉट। टुडेज थॉट, लाइफ इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो एक प्रतिबिंब है, जैसा हम सोचते जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसी ही बन जाती है। लाइफ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स या योर थॉट्स। मैनिफेस्टेशन मतलब एक तरह से रिफ्लेक्ट होता है। जो भी हमारी पर्सनैलिटी है या जो भी हम सोचते विचार करते हैं, वही चीज़ें डे टू डे लाइफ में होती जाती हैं। जस्ट लाइक थॉट्स बिकेम थिंग्स, जो भी हम विचार करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। जैसे कि जो व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है, जस्ट लाइक दैट। चलिए आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर जनरली फोर काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, बट इन एडवांस इंग्लिश दे आर फाइव। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो फोर होते हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश के अंदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर फाइव। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असरेटिव सेंटेंस। दीज आर द सेंटेंस विच डिक्लेयर समथिंग और एसर्ट समथिंग। जो सेंटेंसेस हमें कुछ बता रहे होते हैं या कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में दावा कर रहे होते हैं, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, सीता एक इंटेलिजेंट गर्ल है। सेकेंड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। These are the sentences which shows request, order, command, permission, entreaty, etc. वो sentences जो show करते हैं order को, आदेश, command को, या फिर permission, किसी से हम कुछ permission लेते हैं, अनुमति लेते हैं, या फिर entreaty, दया, दया की भावना, वो सब imperative sentences में होते हैं। request हो गया, हम्बल रिक्वेस्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब किसी से आप पानी का ग्लास मांग रहे हो तो उससे पहले प्लीज़ लगाओगे। मे आई कम इन, आप परमिशन ले रहे हो किसी से अंदर आने की, अनुमति मांग रहे हो। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद क्वेश्चनिंग वर्ड्स। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं, जिनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। और वी कैन से हेयर आस्क अ क्वेश्चन, और उसके अंदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर दोज विच शोज सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, फियर, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। जो भी हमारी सडन फीलिंग्स हैं, मतलब सडनली आपने कुछ रिएक्ट किया, वो या तो जॉय होगा, खुशी होगी, डर होगा, या दुख भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब आप बहुत खुश हो गए कि आप जो है मैच जीत गए। अलास ही इज़ डेड, बहुत दुख की बात है कि वो मर गया। तो इन सेंटेंसेस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हमें एक्सक्लामेटरी साइन दिख रहा होगा जो हुर्रे के बाद है या अल्लास के बाद है, तो दीज आर एक्सक्लामेटरी साइंस, तो हमें इनको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट की जिसकी मैं बात कर रही थी एडवांस ग्रामर में, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर हम दी कोई प्रेयर या कोई विश या फिर कोई किसी को दुआ, बद्दुआ किसी के लिए, उन सब की डिमांड करते हैं। These are the sentences which express a prayer, keen wish, curse, etc. For example, may his soul rest in peace. आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो। This example we can relate to Sushant Singh Rajput, कि उसकी आत्मा को शांति मिले। May his soul rest in peace.
सेकेंड, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. अब आप किसी को विश ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो उसके लिए आप कह रहे हो इस सेंटेंस में कि आई विश यू ऑल द बेस्ट, कि मैं तुम्हें विश करता हूँ, मेरी मतलब मैं तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हें भेजता हूँ, है ना. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, है ना. अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कि कौन से सेंटेंसेस इंटरोगेटिव हैं, कौन से एक्सक्लामेटरी हैं, कौन से डिक्लेरेटिव हैं, कौन से इम्पेरेटिव हैं. जैसे कि हमने चारों काइंड्स अभी पढ़ लिए हैं, साथ में ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हमने पढ़ा है, वो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ. चलिए एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को एक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कुछ हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं या एसर्ट कर रहे होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर कुछ रिक्वेस्ट, कोई कमांड, कोई परमिशन या कोई दया की भावना शो होती है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सवाल कर रहे हो किसी से. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर आप अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो. सडन फीलिंग्स कैन बी जॉय, हैप्पीनेस, फियर, सोरो, एनीथिंग. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप एक्सप्रेस कर रहे हो प्रेयर, आपकी विश या फिर कोई कर्स. ठीक है, चलिए देखते हैं. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 क्वेश्चंस में आपके कितने सही होते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रखो. ये आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड, डू नॉट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो. आप इसमें कमांड दे रहे हो, किसी को कह रहे हो, जैसे बच्चे अगर आवाज कर रहे हैं तो आप उनको कह रहे हो डू नॉट मेक अ नॉइज. इस सेंटेंस के अंदर ये है आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में ये क्या है सेंटेंस. डिक्लेयर कर रहे हो इसमें आप, या एक्सक्लामेटरी कोई साइन दिख रहा हो आपको, या कोई क्वेश्चनिंग साइन दिख रहा हो. हमें ना तो क्वेश्चनिंग साइन दिख रहा है, ना एक्सक्लामेटरी साइन दिख रहा है, ना इसमें कुछ डिक्लेयर हो रहा है. ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसी तरीके से आपको देखना है. थर्ड, दिस हाउस इज टू लेट, ये जो घर है, ये घर के बाहर कई बार बोर्ड लगा के रखते हैं टू लेट का, मतलब किराए पे अवेलेबल है. टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए अवेलेबल होना. तो ये है एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके अंदर डिक्लेयर कर रहा है कि भाई ये घर जो है ना ये किराए के लिए अवेलेबल है. फोर्थ, प्लीज एक्सक्यूज मी. सपोज आप कहीं बैठे हुए हो, अचानक से आपका फोन आता है तो आप बोलते हो एक्सक्यूज मी या प्लीज एक्सक्यूज मी, ये क्या है, परमिशन ले रहे हो आप किसी से एक्सक्यूज करने की, है ना. तो इंपेरेटिव सेंटेंस. व्हाट अ फूल यू आर, लास्ट में आपने एक्सक्लेमेटरी साइन देखा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. सिक्स्थ, कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या मैं कुछ देर के लिए आपसे बात कर सकता हूँ. सामने वाली, लास्ट में आपने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन ये सेंटेंस किसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का है. क्वेश्चनिंग साइन लगा हुआ है, क्वेश्चनिंग, और इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. सेवेंथ, विल यू हैव अ लिटिल मोर कॉफ़ी, क्या तुम थोड़ी सी कॉफ़ी और लोगी या लोगे, जो भी. क्वेश्चनिंग सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. एट्थ, हाउ स्वीट दिस रोज स्मेल्स, मतलब कितनी प्यारी खुशबू है इस गुलाब की. एक्सक्लेमेटरी साइन है, इट मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ. प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, मेरी मदद करो इस बॉक्स को उठाने में. प्लीज़ हेल्प मी, आप किसी से हेल्प करने के लिए बोल रहे हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस. व्हाट अ गुड गर्ल यू आर, कितनी अच्छी लड़की हो तुम, क्या है ये. व्हाट अ गुड गर्ल यू आर, एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ. ये थे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स या कह लो एक्सरसाइज सेंटेंसेस की. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज फ्रेजेस एंड सेंटेंस, तीनों के बीच में सिमिलैरिटी और तीनों के बीच में डिफरेंसेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
In the next video, we will going to study clauses, phrases, and how they are different from a sentence. Now like, share and subscribe, comment on my YouTube channel. Don't forget to press the bell icon. My channel is Study with Jazz. Thank you. Be safe. Be happy. Bye-bye. See you in the next video.